इस तरह है जी, मैं डोर टू डोर भी जा रहा हूँ, तो असी जिहड़ा साडा ये चौथा फंक्शन है अज्ज, तो वो लोगों का बहुत रिस्पोंस है, तो सिद्धू साहब बहुत उहदे विच बहुत मार्जन नाल जीत प्राप्त करनगे जी। लोगों के बड़ा हौसला, जिथे विकास की गल है, मेरे सैक्टर की जां मोहाली की बहुत विकास है जी। मेरे पिंड नेड़े, मेरा पिंड रायपुर खुरद सुगड़, उत्थे भी देखिया बहुत सड़कां ने, चारे पासे फिरमियां बन चुकियां ने, लोग बहुत खुश ने, विकास बहुत हो रहा, विकास के नाते ही वोटां पैणगियां सर। इस तरह हैगा जी, जो सरदार कुलवंत सिंह ने असी तो उन्होंने अपने सैक्टर के कदे देखिया नहीं, तो ना जो दूजे ने अकाली दल वाले वो भी अपने सैक्टर के कदे नहीं आए, तो वो विकास के नाते एवं ही रौला पा रहे हैं, कोई विकास नहीं है। आम आदमी है जिहड़ी कदे कोई कैंडीडेट आ जाता, कदे कोई कैंडीडेट आ जाता, पैसे हाँ, जिथे कि हूँ जिथे कि तुम बैनर भी देख रहे हो, तो इतने सारे बैनर साढ़े परमिशनर नाल लगे हुए ने, उन्होंने जेडे बैनर ने जी, असं उन्होंने बंदियां पुछते तुम बैनर किवें लगाए हैं, वो पैसे नाल बैनर लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी हर बार आरोप लगा रही है, भी कुछ समय पहले कांग्रेस ने बंदे ने आम आदमी पार्टी के बंदे ने थप्पड़ मारे हैं, कई पोस्टर फट जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे, इस बारे में आप क्या कहना? नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं हैगी, जिस तरह कि मेरा सैक्टर है जां होर असी देखते हैं, कोई किसी का बैनर नहीं फाड़ रहा, कोई किसी तरह की गल नहीं, अपने आप ही कर देंगे हुणे ये काम। किसी ने साढ़े सैक्टर चो कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिन्हें किसी का बैनर फाड़िया हो, असी कहने भी ठीक है भाई लगाओ, थोड़ा भी हक है, पर लोग जिहड़े ने वह नहीं ला रहे अपने आप, तुसीं साडे बैनर देख रहे हो, झूठे आरोप है, झूठे बिल्कुल झूठे आरोप है, उन्होंने कोई बैनर नहीं लग्या अपने, जिस तरह के साडे बैनर ने, मान लो एक साडे बैनर दो चार लगे हुए सी, उन्होंने बैनरों के सामने सिद्धू साहब के अखों के सामने अपने और छोटे छोटे लगा के चले गए, जिहड़े कि साडे परमिशन वाले बैनरों भी खराब कर रहे हैं जान बुझ के। सर तुसीं अपने एरिए तो सिद्धू साहब नूं की भरोसा दिवांदे हो, की कहना चाहोगे? मैं अपने एरिए तो मतलब मान लो मैं अपने सैक्टर शहर चो जां मैं अपने पिंडा चो ये भरोसा दिंदे कि सिद्धू साहब बहुत गिनती दे नाल बहुत मार्जन नाल जितणगे, उन्होंने बहुत सारा विकास किया और विकास करते रहणगे। दूजा हर एक दे दुख सुख के भी शामिल होंदे ने, और उन्होंने मैं ये देखिया कि उन्होंने लोगों के जिहड़े उन्होंने वर्कर ने उन्होंने मूँह जबानी नाम याद ने, उन्होंने उन्होंने बुला के ना लेके बुलाते हैं, तो यही सब तो वड्डी खुशी है कि हर एक दे दुख सुख के भी शामिल होंदे ने, तो उत्थे भी जदों भी असीं बुलांदे हैं तां उह तुरंत आ जांदे ने। 10 मार्च नूं सर किस तरह दे रिजल्ट होणगे, किस तरह दे? 10 कांग्रेस जिहड़ी है उह अपनी सरकार बनाएगी जी, तो कांग्रेस ही जितेगी। हाँ जी सलीम साहब, हाँ जी दस्सो जी की नाम है, की कहना चाहोगे? मुहम्मद सलीम बात, की कहना चाहोगे इस मामले, किस तरह देखदे हो? ये इलेक्शन बड़ा इतिहासिक इलेक्शन है, इस बार काम के आधार पर वोट पैनी है, जो बलबीर सिद्धू जी ने इत्थे काम किए ने मोहाली दे विच वो सारे दिखते ने, मेडिकल कॉलेज लेके आए जो कि बहुत बड़ी डिमांड सी जी जी जी। इन्हां दे काम बारे की कहोगे? इन्हां दा काम दिन रात दा काम है, ये बड़े डिवेलपमेंट के काम इत्थे सैक्टर 66 दे विच शुरू होए ने, पहला कुलवंत दा MCC जिहड़ा कि पैसे बनाउण दे चक्करां दे विच कोई उहदा डिवेलपमेंट का काम नहीं होया, बिजनेसमैन बंदा है कुलवंत भी ते नाल उहदा MC भी, साने दिन रात मेहनत करके सैक्टर की नुहार बदलने की कोशिश की है, कुछ कम रह गए हैं वो भी होंगे, कमां की तो झड़ी ला देनी है। सिद्धू साहब के सिपाही कम आएंगे इस टाइम जी, गल सिपाहियों की है, एक एक वर्कर दिल जान तो मेहनत कर रहा है, MC साहब की लीडरशिप के सारे लगे हुए हैं, इतों बद तो बद मार्जन के नाल उन्होंने जिताया जाएगा, तो वह इन्ने मार्जन नाल जितने अगला मार्जन का जोड़ा पहला पुराना था 30,000 वाला उन्होंने तोड़ के असी फिर इन्हों वधिया मंत्रालय दवाना। जो दावे तुम कर रहे हो यही पार्टी के जो झाड़ू वाले ने आम आदमी जी जी लीडर वो भी यही दावे कर रहे हैं, उन्होंने दावे मैं दसदा हवा के ने, पिछली बार थोड़ा याद होगा तुम सारे जानते हो, उन्हों का दावा सी कि साढ़िया 100 सीटा आ रही ने, साढ़िया 85 सीटा आ रही ने, साढ़िया 80 सीटा आ रही ने, साडा CM बन गया, इन्हों का CM फरेगा, जमानत जब्त होगी, हकीकत की हुई? हकीकत थोड़े सामने हुई, 20 सीटा मिली इन्हों, 20 दे विचों 11 MLA इन्हों के भज गए, जेडे अपने MLA तक 5 साल रोक नहीं सके तो डिवेलपमेंट की कराएंगे? वोटर हाँ मैं वोटर ये अपील करता भाई, विकास देखो,
काम देखो विकास के नाते जिहड़ा है कांग्रेस को वोटा पाओ वध तो वध वोटा पा के इन्हों जाओ ताकि अगले पांच साल होर इस तो ज़्यादा विकास हो सके। मैम क्या नाम है अपना? मेरा नाम है सरोज थापर। मैम किस तरह चल रही है मुहिम कांग्रेस की? मुहिम बहुत वधिया चल रही है, हर बंदे नू असी जाके कर कर बोल रहे हैं कि भी तुसी पंजे ते मोहर लगानी है और अपने सिद्धू सर नू जिताना है, क्योंकि कांग्रेस ने इतना काम कराना हमारे मतलब मोहाली क्या हमारे पंजाब में ही बहुत काम करा है और किसी पार्टी ने इतना काम नहीं करा आज तक। कांग्रेस ने तो खैर बीजेपी वाले बोलते कि 70 साल में क्या करा, 70 साल में अगर उन्होंने कुछ करा नहीं तो कांग्रेस ने बेचा क्या है? कांग्रेस ने करा है, बीजेपी ने बेचा है, इसलिए हमने कांग्रेस की ही सरकार लेकर आनी है। इसलिए हम घर घर जाके डोर टू डोर जाके ये सबको ये संदेश दे रहे हैं कि भी आपने अपने सिद्धू सर को जिताना है, पंजे को मोर लगानी है और अपने कांग्रेस को आगे लेके आना है ताकि हमारा विकास हो। बिल्कुल, केजरीवाल साहब की गारंटी 1000 रुपये के बारे की कहोगे? वो तो एक रिश्वत है, वो तो भ्रष्टाचार है। आप देखिए ना कि अगर आप 1000 रुपए किसी को दोगे वो क्या है? रिश्वत ही तो है। हमारी कांग्रेस ने भी कहा है कि अब 2000 रुपए दिया करें। सिद्धू साहब तो कह रहे हैं नवजोत। हमारे सिद्धू जी ने तो नहीं कहा, ऐसे तो हर पार्टी में एक ना एक कोई ऐसा सदस्य होता ही है, अपने परिवार में भी होता है जो बरखिलाफ थोड़ा चला जाता है, पर वैसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो कितना आप मोहाली में सेफ मानते हो? क्या कहते हैं? 100% हम सेफ मानते हैं, क्योंकि हमारी मोहाली में अगर आप देखिए कि बच्चे जो ट्यूशन लेके लड़कियां खासकर आ रही हैं वो घर से रात को 10 बजे से 12 बजे तक 11 बजे तक भी ट्यूशन लेके आ रही है तो सेफ आ रही है घर में। आपके एरिया में जो काउंसलर है मास्टर चरण सिंह जी, उन्होंने काम करवाए हैं? जी हाँ, अभी उनके थोड़ा ही टाइम हुआ है तब भी फिर भी वो काम पे अपना जितना भी इनको और वक्त मिला उसमें काम हो रहे हैं। फिर अभी जैसे कि अभी चुनाव का भी टाइम है तो चुनाव पे पुराने एमसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुराने एमसी ने तो कुछ भी नहीं करा जी। अगर पुराने एमसी की बात करी जाए तो 1% भी काम नहीं हमारे सेक्टर का हुआ था। हम बहुत जाग जाके बोलते थे पार्किंग देखो, गलियाँ देखो, बल्कि उन्होंने अपना ही पार्क सजाया होगा, सेक्टर का कुछ नहीं करा। ओके की कहना चाहोगे कांग्रेस बारे? मेरा नाम सुप्रिया सलूजा है, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी। ठीक है, द मेन थिंग कि क्या कहना है कांग्रेस के बारे, शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यहाँ पे आए लोग, यहाँ पे आई लग रही मीटिंग्स और सारों की जो एक आवाज़, वो सबको पता है कि वो एक आवाज़ एक कांग्रेस आवाज़ है। ठीक है, उसका मेन मोटो क्या है कांग्रेस का? कांग्रेस ने जो किया है वो सबके सामने है और हम नहीं चाहते कि हम उस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन करें। मैं कुछ और 10 मार्च को किस तरह के नतीजे आने की कहना चाहोगे? देखिए, हमारे लिए तो कांग्रेस पार्टी के लिए ही नतीजे पॉजिटिव आने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए बहुत बहुत कुछ किया है। जीत पक्की है? जीत पक्की है जी, बिल्कुल पक्की है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एक फोटो करा लो ग्रुप से, हाँ भाई खोल जाओ थोड़ा जहाँ।